हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एक हम डेमो वीडियो लेके आते हैं कि कैसे आपको सेकेंड ईयर में टीचिंग करनी है। ये डेमो वीडियो है, इस आधार पे आप अपने टीचिंग को और अच्छा बना सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिकल्स हो। दोस्तों दो कंडीशंस होती है, जैसे आप क्लासरूम में एंटर करते हैं आप देखेंगे या तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहेगा डेट, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, समय, कालांश और प्रकरण, या तो लिखा रहेगा या फिर नहीं लिखा रहेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर नहीं लिखी हैं तो आपको क्लासरूम में एंटर करके लिखना पड़ेगा, बट मोस्टली ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। चलो तो एज्यूम कर लेते हैं कि सारी चीज़ें लिखी हैं, डेट लिखी है, कक्षा, वर्ग, विषय, समय, कालांश और प्रकरण, हेडिंग दिया गया है। तो हम क्लासरूम में एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी टीचिंग को। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। डेट में हमने आज की डेट लिख दी, क्लास हमने 8 लिख दिया, वर्ग 8B, विषय हमने गणित, आपको बोलना नहीं है पढ़ाने के टाइम, बस ऐसे लिख देना है। समय 35 मिनट्स, कालांक जो भी हो फर्स्ट सेकंड हमने कर दिया, प्रकरण को छोड़ देंगे, बोलना नहीं। ओके तो बच्चों हम यहाँ पे आपको कुछ आकृति दिखाएंगे ब्लैक बोर्ड पे और आपको बताना है कि गणितीय भाषा में उस आकृति को क्या कहते हैं। ओके तो चलिए, सबसे पहले गणित के भाषा में इसको क्या कहते हैं आप बताएं, इसको क्या कहते हैं? बिंदु। वेरी गुड, गणित की भाषा में हम इसको बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों पॉइंट, दो पॉइंट्स को मिलाने से, दो बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है? दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं आप बताइए? जी रेखा कहते हैं, बहुत अच्छा, इसको रेखा कहते हैं। बच्चों इसी प्रकार से अगर हम तीन रेखाओं को आपस में मिला दें तो तीन रेखाओं से प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं आप बताएंगे? तीन रेखाओं से प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जी वेरी गुड, आपने हमें बताया कि तीन रेखाओं से प्राप्त आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल यहाँ पे बच्चों एक और आपसे ये पूछा जाएगा ये कि जैसे ये तीन रेखाएं हैं, इनसे घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ये भी तीन रेखाएं हैं जिनसे घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों ये भी तीन रेखाएं हैं जिनसे घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप हमें बताइए कि आखिर कितने प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं आप बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है बच्चों? त्रिभुज और उसके प्रकार आज का हमारा प्रकरण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम त्रिभुज से। तो जैसा कि आपने बताया कि त्रिभुज क्या होता है बच्चों, त्रिभुज वह आकृति है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, बहुत अच्छा। त्रिभुज की कुछ प्रकृति है बच्चों, प्रकृति क्या है? सबसे पहली प्रकृति जैसा कि आपने बताया कि तीन भुजाएं, तो त्रिभुज है तो उसकी कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी, कोई डाउट नहीं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। बच्चों अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी है, तो इस त्रिभुज की यदि तीन भुजाएं हैं तो इसके अंदर कोण कितने होंगे बच्चों? तीन होंगे, बहुत अच्छा। तो त्रिभुज की पहली प्रकृति यह है कि त्रिभुज के तीन भुजाएं होती हैं। दूसरी प्रकृति क्या है कि त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरी प्रकृति आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि इन तीनों कोणों का योग, द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा बच्चों? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सदैव सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो चलें, एंगल ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गई बात, त्रिभुज आपको समझ आ गया कि त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी त्रिभुज बनाइए जिसके अंतः कोणों का योग 210 डिग्री है,
तो आप क्या करेंगे? आप कह देंगे कि नहीं सर, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल के इनसाइड्स एंगल जो होते हैं उनका सम ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होगा? 180। 180 से कम नहीं होगा, 180 से ज़्यादा भी नहीं होगा, सदैव 180 होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए मैं एक बार आपसे चेक कर लेता हूँ। जैसे आप बताइए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। वेरी गुड। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं आप बता दीजिए? 3। बहुत अच्छा। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3। चलिए बहुत अच्छा। तो आपको त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको बड़ा ध्यान देना है, यहाँ से हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ठीक है? तो चलिए, आपने देखा कि त्रिभुज, त्रिभुज की प्रकृति में आपने त्रिभुज की भुजाएं देखी, त्रिभुज के कोण देखा। तो जब हम त्रिभुज को वर्गीकृत करते हैं, व्हेन वी क्लासिफाइड द ट्रायंगल, वी क्लासिफाइड ऑन द टू बेसिस। त्रिभुज को हम कितने आधार पे वर्गीकृत करते हैं? दो आधार पे। पहला कौन सा दोस्तों? पहला बच्चों होगा कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पे, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? कोणों के आधार पे। तो आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं कि पहला है भुजाओं के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा है हमारा कोणों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आइए, त्रिभुज की आप कोई भी आकृति बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाली त्रिभुज की आकृति बना दी। अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं कि इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल के जो सारे साइड्स हैं, जो तीनों साइड हैं, तीनों भुजाएं, वो आपस में बराबर हो? क्या ये संभावना हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर हम दूसरी संभावना की बात करें तो हो सकता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ये भी तो हो सकती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भिन्न हो, ठीक है। तीसरी संभावना बच्चों की ये भी हो सकता है कि त्रिभुज की कोई भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो चलिए एक बार हम त्रिभुज के वो त्रिभुज बनाते हैं जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। दूसरी कंडीशन, इसकी ये दो भुजाएं बराबर है, और तीसरा हमने ऐसे बनाया जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। तो ये हो गई तीन कंडीशन। वास्तव में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को इसी तीन प्रकार से बांटा जाता है, और इस तीन प्रकार के कहते क्या हैं? जैसे हमारी जो पहले त्रिभुज है जो कि भुजाओं के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में समान हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? जब तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो हम उनको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। बताइए समझ आ गई बात? जब तीनों भुजाएं आपस में समान हो बच्चों, तो हम उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब बाहु की मतलब क्या होती है? भुजाएं, ठीक है। बाहु मतलब भुजाएं। आप में से कितने लोगों ने एक पिक्चर देखी थी बाहुबली? बाहुबली, बाहुबली में जो बाहुबली है उसकी भुजाएं क्या होती है? बहुत बलवान होती है, इसीलिए कहते हैं बाहुबली, मतलब वह जिसकी भुजाएं क्या हो? बलवान हो। तो बाहु को क्या कहते हैं दोस्तों? भुजाओं को बाहु भी कहते हैं, कहते हैं ना। तो पहला हमारा है सम बाहु, मतलब जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। सम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। चलिए, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे? सम द्विबाहु। बहुत आसान है। पहला समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, दूसरा सम द्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, और तीसरा बच्चों जिसकी कोई भुजाएं समान नहीं हो तो क्या कहेंगे? विषमबाहु। कोई समान ही नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर हमें कितने त्रिभुज मिल गए बच्चों? भुजाओं के आधार पर हमें तीन त्रिभुज मिल गए हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ तक बात समझ में आ गई? भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहते हैं? समबाहु। अब आप बताइए कि वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं समान नहीं हो क्या कहते हैं उसको? विषमबाहु त्रिभुज। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, तो आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को देख लिया। अब इसके अंदर एक और हम प्रकृति देख लेते हैं। इसके अंदर समबाहु को आपने अच्छे से जाना कि उसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि अगर मान लीजिए हमारी दोनों हथेलियां बराबर हैं तो क्या इनके दोनों फिंगर्स, उंगलियां भी बराबर होंगी? अगर ये दोनों हथेलियां बराबर हैं तो क्या ये उंगलियां भी बराबर होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी। तो जब समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों तो उसके अंतः कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे या अलग होंगे? बताइए, जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसके अंदर का कोण भी बराबर होगा। वेरी गुड। और जब समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजाएं बराबर हों तो उनके अंदर का दो कोण
बराबर होंगे, और जब विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं, बराबर नहीं हैं, तो उनके अंदर का एक भी कोण क्या होगा, समान नहीं होगा। ये इसकी प्रकृति है। तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अथवा तीनों भुजाएं तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं। समद्विबाहु की बात करें, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसके दो कोण भी आपस में बराबर हैं। और विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इसकी कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं है। तो बताइए, त्रिभुज आपने समझ लिया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 आपने समझ लिया, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के आपने वो भी समझ लिया। अब आइए हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कोण के आधार पर हम त्रिभुज को वर्गीकृत करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोण के आधार पर, जैसे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं, वैसे ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे बच्चों, तीन प्रकार के होंगे। चलिए कौन कौन सा कोण होगा, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई त्रिभुज है, ये हमारी त्रिभुज है, तो हमने एक त्रिभुज की प्रकृति पढ़ी कि त्रिभुज के अंतः सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से बताइए कि 180 हम एक पैरामीटर्स लेते हैं, हम एक मान लेते हैं 90 डिग्रीज। ठीक है, हम एक 90 डिग्रीज लेते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के अंतः कोण, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा बच्चों, तीन इसकी स्थिति होती है। पहला हम मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण हैं उनमें से कोई एक कोण 90 है। ठीक है, कोई एक कोण 90 डिग्री है, 90 अंश का है। ठीक है, दूसरी स्थिति हम मान लेते हैं कि उन त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक है। ठीक है, 90 से अधिक है। दूसरी स्थिति मान लेते हैं कि उस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से, उस त्रिभुज के सारे जो हैं कोण वो 90 से कम है। तीन स्थिति हो, तो किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 अंश के बराबर हो, अब आप कहेंगे सर एक कोण क्यों, हो सकता है कि दो कोण या तीन कोण बराबर हो, नहीं हो सकता ना बच्चों। अगर मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण 90 हो गए तो कितना हो गया, 9 × 3 = 27, 270 तो होता ही नहीं है, 180 तो होता है। तो केवल एक ही कोण है जो 90 से ज़्यादा हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। दो हो गए, मान लीजिए दो हो गए, तो दो ही कोण 180 हो गए, फिर तीसरा कहाँ गया, समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज का कोई एक कोण यदि 90 हो तो वह त्रिभुज कहलाती है समकोण त्रिभुज। ठीक है बच्चों, 90 से बराबर है कोई एक एंगल अगर 90 है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और यदि कोई एक कोण 90 से अधिक हो तो वह कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा बच्चों, अगर तीनों कोण 90 से कम हो तो वो कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आप तीनों कोण क्यों कहा, क्योंकि यहाँ तो स्थिति है ना, हो सकता है तीनों 90 से कम हो और तीनों आपस में मिलके 180 बना लें। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए तीनों कोण 60 60 हो, तो तीनों 90 से तो कम है, 60 60 60, 180 हो गए, तो ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने देखा हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया। भुजाओं के आधार पर हमने तीन प्रकार से देखे और कोण के आधार पर हमने तीन प्रकार से देखे। तो इस प्रकार से हमारा यह त्रिभुज और उसके प्रकार का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपको अगर होमवर्क दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको होमवर्क लिख कर आना है, त्रिभुज और उनके कितने प्रकार हैं विस्तृत विवेचना करिए, आप करके आएंगे, आप में से कितने बच्चे करके आएंगे। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, तो आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क रहेगा, पहला होमवर्क है कि त्रिभुज और उनके प्रकारों की विवेचना करिए। चलिए नोट कर लिया आपने। दूसरा आप होमवर्क नोट कर लें कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा आप होमवर्क नोट कर लीजिए, तीसरा यह है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के दो कोण क्रमशः 30 और 60 हो तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करिए। ओके बच्चों, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण 30 और 60 हैं तो तीसरे कोण का आपको मान बताना है। ये आपके तीन होमवर्क हैं और आप इसको करके आएंगे। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, थैंक यू, क्योंकि हम चैप्टर्स को अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके चलिए, धन्यवाद।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी टीचिंग कंप्लीट होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जैसे मैंने अपने टीचिंग में नोटिस किया, तो कई कई बार मैं दोस्तों कह देता हूँ, बट आपको दोस्त नहीं कहना, आपको बच्चों कहना है और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखनी है, आई मीन प्रॉपर ड्रेस में रहना है, जैसे मैंने अभी टी शर्ट पहना है। तो और हमें कुछ चीज़ें और को नोटिस करना है, जैसे कि हमें पॉकेट में हाथ नहीं डालना है या फिर हमें ऐसे साइलेंट में नहीं खड़ा होना है और हमेशा मूवमेंट करते रहना है, आपको ऐसा लगे कि आप टीचर आप बच्चों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी पहली टीचिंग थी कि मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में मुझे बताना कि मेरी टीचिंग कैसी रही और मैं अच्छे से बच्चों को समझा पाया कि नहीं पाया। जैसे समझ कर लो मेरे सामने क्लास 8 के बच्चे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी टीचिंग आपको कैसी लगी। और क्वालिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं एक रूम में बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, तो क्वालिटी शायद उतनी अच्छी ना हो, बट कोई बात नहीं। आप मुझे टीचिंग की क्वालिटी बताएं कि मेरी टीचिंग कैसी रही, क्या बच्चे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। बच्चों जो ग्राफिक्स में ऐसे लिख के आ रहा था उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और ऐसे ब्लैक बोर्ड से लिखते हुए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, मुझे भी सपोर्ट करें और ये बताएं कि मेरी टीचिंग कैसी रही आपके लिए। सो बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो से जुड़ने के लिए। खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।